डॉक्टर रवि, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं वर्ल्ड ओवर, कोविड 19 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो बच्चों में जो प्रेविलेंस है कोविड 19 का, वो ज़रा कम दिखता है। तो सवाल मेरा ये था कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो ऐसा क्यों है? हर बीमारी का एक एज ग्रुप डिफाइंड होता है कि वो जनरली इस एज ग्रुप में होगी, है ना। जैसे रूमेटिक फीवर है वो 5 से 15 साल में होगी, मीजल्स है वो 5 साल से नीचे ही बच्चों में होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। तो हर बीमारी का एक अपना स्पेसिफाइड पीरियड होता है कि वो किस एज ग्रुप में वो इफेक्ट करने वाली है। अब अगर हम बात करें कोविड की, तो 98% केसेस जो अभी तक हुए हैं वो एडल्ट्स में हुए, या बच्चों में केवल 2% केस हुए हैं। तो इसका मतलब बच्चों में काफी कम हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये कैसे अनफोल्ड होती हैं चीजें, वो हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है बच्चों में टेस्ट कम हुए हो सकता है बच्चों में ये सिम्टोमेटिक केसेस ज्यादा हो, लेकिन अभी तक के आंकड़े ये बताते हैं कि बच्चे इम्यून नहीं है इस बीमारी से। बच्चों को हो सकती है और बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन बच्चों में होने की दर जो है काफी कम है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। तो हर बीमारी जो है वो अपने हिसाब से करती है। वैसे बच्चों में जनरली जो बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडीनो है, इनके होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है बड़ों के मुकाबले में। लेकिन कोविड का जो है वो थोड़ा सा अभी तक का हल्का सा प्रोटेक्टिव इफेक्ट देखा गया बच्चों के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में होगी नहीं, और बच्चों में अगर होती है तो कॉम्प्लिकेशन होकर मौत नहीं हो सकती। हाँ, उसकी दर कम है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।